नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Mi Mi Mix 3 के बारे में, जिसके जो है काफ़ी सारे रेंडर निकल के आए हैं कंपनी की तरफ से, काफ़ी सारे रूमर्स भी यहाँ पर निकल के आए हैं किस प्रकार से जो है डिवाइस होने वाला है, क्या क्या जो है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन होने वाली है, उन्हीं सब की जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं Xiaomi Mi Mix 3 की, तो Xiaomi Mi Mix 3 के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसमें जो है 5.9 इंच की यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है, मतलब 2160x1440 पिक्सल जो है इसमें मिल सकते हैं। और एक रूमर्स ये भी है कि इससे भी ज़्यादा जो है पिक्सल डिस्प्ले में होने वाले हैं। और इसमें जो है कोई बेजल नहीं है, चारों तरफ है, मतलब बेजल लेस है। 18:9 की जो प्रक्रिया है वो चारों तरफ इसमें लागू कर दी गई है, मतलब किसी तरफ साइड से जो है आपको बेजल यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो 5 वाला प्रोटेक्शन है वो इसके ऊपर आपको मिल रहा है, और उसी के साथ जो है डुअल नैनो सिम में होने वाला 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाए, और भी कनेक्टिविटी है जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ है, GPS, ग्लोनास है। आपकी बार जो इसमें IR ब्लास्टर की भी कुछ बात हो रही है, हो सकता है आपको इसमें IR ब्लास्टर भी मिल जाए। तो इसमें काफ़ी सारे यही कनेक्टिविटी इसमें दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें मतलब प्रोसेसिंग इसके माइंड की, CPU की। स्नैपड्रैगन 845 जो इसमें CPU बताया जा रहा है, जो कि अपकमिंग है, मतलब वो भी आने वाला है CPU 845, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद जो है काफ़ी मतलब एडवांस और स्पीड यहाँ पर डिवाइस की जो है बढ़ जाती है। और इसमें जो क्लॉक स्पीड होगी CPU के अंदर, वो यहाँ पर 2.8 GHz है, कुछ प्लस भी हो सकती है, और भी ज़्यादा जो स्पीड यहाँ पर हो सकती है। दो अलग अलग वेरिएंट रैम के अंदर आपको ये मिल सकता है, मतलब एक 6 GB आपको मिलेगा, एक 8 GB रैम में आपको ये मिलेगा। उसी के साथ जो रोम है या फिर इंटरनल मेमोरी जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर 4 टाइप की आपको मिल रही है। एक तो 64 GB है, 128 GB है, 256 GB आपको मिलेगी, एक 512 GB के अंदर, मतलब काफ़ी अलग अलग, मतलब आप जैसा चाहें ये मोबाइल ले सकते हैं, आपको जो कितनी मेमोरी यहाँ पर चाहिए है। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ यहाँ पर डुअल कैमरा बताए जा रहे हैं, मतलब रियर कैमरा जो है यहाँ पर डुअल होने वाले हैं, दोनों जो है 20 MP के सेंसर के साथ है। अपर्चर 2.2 यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन रूमर्स ये भी हैं कि अपर्चर 3.8 भी इनमें हो सकता है एक कैमरा के अंदर। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रहा है, बाकी सब ठीक है। फ्रंट कैमरा भी जो है इसमें 20 MP का बताया जा रहा है, जो कि अपर्चर 2.8 के साथ या फिर 2.2 के साथ या फिर 3.0 कुछ भी जो है यहाँ पर अपर्चर दिया जा सकता है। अभी ये सिर्फ ये भी रूमर्स हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये आ रही है कि कैमरा चाहे कितने का ही हो, लेकिन यहाँ पर जो है 1000 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब काफ़ी अच्छी बात होगी ना, आप मतलब स्लो मोशन में करके उसको देख सकते हैं, काफ़ी सारी फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। USB टाइप सी जो है मोबाइल में आपको मिल जाएगी, और काफ़ी जो है फास्ट चार्जिंग यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। बैटरी भी काफ़ी बड़ी इसमें दे दी गई है, मतलब 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है, तो काफ़ी मतलब एक खुशी की बात है। 5000 mAh की बैटरी इतने अच्छे मतलब डिस्प्ले वाले फ़ोन में आपको मिल रही है, काफ़ी कुछ इसमें जो है बढ़िया रहा। 5000 mAh की इसमें बैटरी मिल रही है, और इसकी प्राइस शुरू होगी लगभग 35000 से स्टार्ट, मतलब 64 GB वाले वेरिएंट की प्राइस यहाँ पर हो सकती है 35000 रुपये, और फिर प्लस बढ़ती चली जाएंगे लगभग 40-42 या फिर 45000 तक के ऊपर ये जा सकता है। तो दोस्तों, इतनी सी थी Xiaomi Mi Mix 3 की स्पेसिफिकेशन जो अभी तक निकल के आई, तो मैंने आपको तुरंत यहाँ पर बता दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो रोज देखते रहने के लिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ऐसे वीडियो जो है रोज़ आते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर बता सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।